क्या वाकई में मैथ्यू चर्च में है? हाँ जॉर्ज, वह फादर जॉन के साथ है। वह अपने प्रश्नों से फादर जॉन को परेशान कर रहा होगा। हाँ मैं जानती हूँ, वह कभी कभी फादर को परेशान करता है। वे वहाँ हैं। आओ हम भी वहाँ चले। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो मैथ्यू। हेलो जॉर्ज। फादर, आप मैथ्यू के साथ क्या कर रहे हैं? मैं उसे न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बारे में बता रहा हूँ। क्या फादर, किसकी किताब? क्या तुमने न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बारे में नहीं सुना? नहीं फादर, हमने नहीं सुनी। हाँ ठीक है, बैठ जाओ बच्चों, मैं न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से कहानी सुनाता हूँ। क्या तुमने समसोन और दलीला की कहानी सुनी है? नहीं फादर। वो कौन है फादर? समसोन की कहानी बलशाली मनुष्य के पतन की कहानी है। उसका जन्म चमत्कारिक था और उसके जन्म से पहले ही उसका जीवन ईश्वर को समर्पित था। स्वर्गदूत ने समसोन के माता पिता को चेतावनी दी थी कि उसके बाल नहीं काटे जाएंगे। उसे शराब पीना, अपवित्र वस्तु खाना मना था। उसे ईश्वर ने इज़राइलियों की फिलिस्तीनियों से रक्षा के लिए भेजा था। एक दिन दलीला दासी के साथ जंगल में घूम रही थी। दलीला, देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। अरे वो देखो, दलीला हम वापस चले? हाँ, कौन कौन है वहाँ? दलीला वहाँ वहाँ देखो। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, दलीला भागो, दलीला भागो, भागो, मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। क्या तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मेरा नाम समसोन है और मैं पास ही में रहता हूँ। समसोन? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ ओह क्षमा करिए, मेरा नाम दलीला है और मैं फिलिस्ती से हूँ। दलीला, दलीला तुम कैसी हो? इन्होंने मुझे बचा लिया। तुम सैमसन हो? हाँ मैं ही हूँ। तुम्हारी फिलिस्तीनियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो तुम में से एक को बचाया है, तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। अब चलो, चलते हैं यहाँ से। वो कौन था? वो समसोन है, इज़राइली,
हम उन पर राज्य करते हैं। वो कितना शक्तिशाली है। समसोन को ईश्वर ने असीम शक्ति दी थी। ईश्वर चाहते थे कि वो इजराइलियों की रक्षा करें। इजराइलियों ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी और इसलिए ईश्वर ने उन्हें 40 वर्ष के लिए फिलिस्तीनियों के हाथ दे दिया। फिलिस्तीनियों ने 40 साल तक उनका जीवन कष्टमय बनाया, परंतु अब ईश्वर फिलिस्तीनियों को भगाने वाले थे। फिलिस्तीनियों को समसोन की ताकत के बारे में पता था। मैंने उससे पूछना चाहा, परंतु उसने कुछ नहीं बताया। घमंडी इसराइली, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाँ, वह हम फिलिस्तीनियों के लिए खतरा है। हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। परंतु हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। इसराइलियों पर आक्रमण करो, वो उन्हें बचाने जरूर आएगा। फिलिस्तीनियों ने लही नामक नगर पर छापा मारा। उस शहर में इजरायली रहते थे। वे जानते थे कि समसोन इजरायलियों की रक्षा के लिए जरूर आएगा। हमें मत पकड़ो, ऐसा मत करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोगों ने क्या गलत किया है? हम तभी रुकेंगे जब तुम बताओगे कि सैमसन कहाँ है। सैमसन? पर हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। तुम्हें नहीं पता? तो पता करो कहाँ है। मत मारो। नहीं। हम तुम्हारे लोगों को तब तक मजा चखाते हैं। अब जाओ ढूंढो उसे। हाँ मालिक, हम ढूंढते हैं। लही नगर के सब लोग, करीब 3,000 लोग, पास के पर्वत पर समसोन को बुलाने गए। सैमसन, 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 सैमसन। कौन है वहां पर? सैमसन, कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम लोग? हम लही नगर से आए हैं। फिलिस्तीनी तुम्हारे कारण हम पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या? मेरे कारण? मुझे उनकी सहायता करना चाहिए। रुको, मैं आ रहा हूं। हाँ सैमसन, वे हमारी महिलाओं और बच्चों पर भी अत्याचार कर रहे हैं। कृपा करके हमारी रक्षा करो। आप बताएं मैं आपके लिए क्या करूं। हमें तुम्हें बांधकर उनके हाथ में सौंपना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वे लही नगर को नष्ट कर देंगे। ठीक है, वहां रुको और तुम मुझे बांध दो। पर क्या? पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगे। धन्यवाद समसोन, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अच्छा ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं आता हूं। और वे लोग समसोन को मोटी रस्सी से बांध कर लाए। लीजिए स्वामी, हम इसे बांध कर ले आए हैं, अब आप हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। बड़े शक्तिशाली बनते हो ना तुम। इसे नगर के द्वार की तरफ ले चलो, वहां हम दंड देंगे। परंतु ईश्वर ने समसोन को असीम शक्ति प्रदान की थी और उसने रस्सी को धागे की तरह तोड़ दिया। उसे गधे के जबड़े की एक हड्डी मिली। उसने वो उठा ली और चारों तरफ घुमाने लगा।
अरे ये तो सैमसन है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सैमसन, सैमसन। दलीला, दलीला। हाँ मैं ही हूँ, उठो सैमसन। दलीला, मैंने गधे के जबड़े की हड्डी से पूरे 1000 लोगों को मार दिया। हाँ तुम एक महान योद्धा हो, पर तुम्हें अभी बहुत चोट लगी है, मेरे घर चलो। मैं कहाँ हूँ? ये गाजा है, यहाँ मेरा घर है, कृपया मेरे साथ चलो। ठीक है, मुझे अपने घर ले चलो। दलीला सैमसन को अपने घर ले जाती है और उसकी सेवा करती है। ईश्वर का आशीर्वाद सैमसन के साथ था और उसके घाव जल्दी ठीक हो गए। घाव ठीक हो गए हैं, तुम बहुत शक्तिशाली हो। परंतु फिलिस्तीनी बेचैन थे, वे सैमसन के कारण परेशान थे। उन्हें सैमसन को पकड़ना था, वे उसकी शक्ति के रहस्य को जानना चाहते थे। 1000 लोग मारे गए, कई घायल हुए, तुम बताओ सैमसन कौन है? मैंने सुना है उसे ईश्वर से शक्ति मिलती है। मूर्ख इसराइली, वे मूर्ख चीजों पर विश्वास करते हैं। हमें उसकी शक्ति का रहस्य जानना चाहिए, तभी उसे हरा सकेंगे। हाँ, पर कैसे? दलीला के पास चलते हैं, वही उसे फुसलाकर तरकीब से उसका भेद जान सकती है। हाँ ये सही विचार है, वो औरत ही उसकी शक्ति का भय जान सकती है। क्या वो हमारे लिए ऐसा करेगी? चांदी के सिक्के कौन अस्वीकार कर सकता है? कुछ दिन बाद फिलिस्तीनियों के नेता दलीला के घर जाते हैं। उस समय सैमसन वहां नहीं था। सुनो दलीला, तुम हमारे लोगों की सैमसन से रक्षा करो। एक तुम ही हो जो सैमसन की शक्ति का भेद पता कर सकती हो। परंतु मैंने कोशिश की थी, कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे सच नहीं बताया। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हें मार देंगे। आ, आ। सुनो, क्या तुम्हें 10,000 चांदी के सिक्के नहीं चाहिए? आ, आ। छोड़ो उसे। आ, आ, आ। मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसने सच नहीं बताया। मैंने उसे 7 तारों से बांधा, नई रस्सी से बांधा, उसके सिर के बालों को बुन दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हमारे साथ खेल मत खेलो, हम कल फिर आएंगे, सारे भेद पता कर लेना, समझी? चलो चलते हैं। हाँ मैं क्या करूंगी? उस रात दलीला ने सैमसन को शराब पिलाई। सैमसन, तुमने मुझे बहुत मूर्ख बनाया, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। ओ मेरी प्रिय, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता हूँ। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। नहीं प्रिय, ये सच है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे अपनी शक्ति के बारे में क्यों नहीं बताते? मेरी प्रिय, तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, पर अगर मैंने ये बता दिया कि मेरी शक्ति कहाँ है। मेरा सिर। क्यों, ऐसा क्यों प्रिय, मुझे बताओ। मुझे क्षमा करना प्रिय, ये नहीं बता सकता। तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए तुम मुझे नहीं बता रहे हो। मुझे तुम पर विश्वास है। तो बताओ ना प्रिय। दलीला, मेरी प्रिय, मैं नाजीर हूं। नाजीर, इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर ने मुझे चुना है। मुझे अंगूरी नहीं पीनी चाहिए थी,
मुझे बाल नहीं कटवाने हैं, मैं ईश्वर का सेवक बना रहना चाहता हूँ। नाज़िर, अच्छे से सो जाओ मेरे प्रिय, तुम्हारा भेद मेरे पास सुरक्षित है। फलीला, जाओ सबको बुलाओ, मैंने रहस्य पता कर लिया है। ठीक है दलीला। उस रात दलीला ने नेताओं को बुलवाया और सारा भेद बता दिया। इसके बाल, इसके बालों में ही इसका राज छुपा है। यदि इसके बाल काट दिए जाए तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो बाल है, इसके सारे बाल काट दो। ठीक है मालिक। दलीला, कहाँ हो तुम? बहुत अच्छे दलीला, लो तुम्हारा पुरस्कार। दलीला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर विश्वास किया। क्षमा करो प्रिय, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी, मुझे क्षमा करो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना था। तुम्हारी शक्ति कहाँ है समसोन? मूर्ख कहीं के? मुझे खोल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी शक्ति कहाँ है। फिलिस्तीनियों, खोल कर दिखाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पकड़ो उसे, पकड़ो। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा, फिर देखते हैं तुम कैसे लड़ते हो। नहीं नहीं, रुक जाओ, तुमने मुझसे वादा किया था। सुनो दलीला, हमने उसे मारा नहीं, तुम्हें तुम्हारा पैसा भी मिल गया। चलो अब हटो यहाँ से। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने कहा हटो। नहीं नहीं नहीं। उस रात फिलिस्तीनी राजा ने समसोन को बंदी बना लिया, अंधा किया और उसे बेड़िया पहना दी, जेल में डाल दिया और उस पर अत्याचार किया। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और चक्की पिसवाने लगे। दलीला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं कितनी शांति से सो रहा था। मैं उसे क्या दोष दूं? मेरी गलती है, मैंने शपथ ली थी। ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने अपनी शपथ तोड़ दी। ईश्वर मुझ पर दया करिए, मेरे पाप क्षमा करिए। ईश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्षमा करिए, क्षमा करिए। समसोन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो जेल में बंद था, अंधा था, उसके पास शक्ति नहीं थी। वो ईश्वर से रात दिन दया के लिए प्रार्थना करता था और ईश्वर की कृपा से उसके बाल बढ़ने लगे। मूर्ख सैमसन, वो सोचता है कि उसका ईश्वर हमारे ईश्वर से महान है। वो मूर्ख है, तभी तो जेल में सड़ रहा है। ये सब उन लोगों के लिए सबक है जो हमारे ईश्वर के समक्ष खड़ा होना चाहता है। हमें सैमसन पर विजय का उत्सव मनाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें अपनी जीत का उत्सव तो मनाना ही चाहिए। फिलिस्तीनियों ने उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने सोचा
कि उनके देव दागोन ने उन्हें समसोन पर विजय दिलाई है। सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं था, देव दागोन ईश्वर नहीं थे। हे सुनो, समसोन को हमारे पास लेके आओ ताकि हम कुछ आनंद उठा सकें। बढ़िया विचार है, मजा आएगा। समसोन को इधर लाओ। जी महाराज। मैं कहाँ हूँ? चलते रहो। उसको मंच पर ले जाकर खंभों से बांधो। हाँ, उसकी बेड़ियों को ढीला करो ताकि वो नाच सके। नाचो। इस अंधे का नाच देखने में बड़ा मजा आएगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं कहाँ हूँ? अरे तुम हमारे ईश्वर दागोन के मंदिर में हो। प्रिय लोगों, उत्सव शुरू करें। आज हम लोग सैमसोन का नृत्य देखेंगे। हे ईश्वर। ए अंधे, नृत्य करना शुरू कर। हाँ हाँ, शुरू करो। नाचो मूर्ख। इसे और मारो। आज मजा आएगा इसको नाचते देखकर। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नाचो। नहीं, ये सब मेरे कारण हुआ। मेरे कारण। मंदिर में 3,000 लोग थे और वे ईश्वर और समसोन का मजाक उड़ा रहे थे, परंतु समसोन चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रिय ईश्वर, मुझे याद कर ईश्वर। शक्ति प्रदान कर मुझे ईश्वर। मेरे पापों के लिए क्षमा कर ईश्वर। मुझे याद कर। शक्ति दे मुझे ईश्वर। शक्ति प्रदान कर। ईश्वर ने उसे बल प्रदान किया। हे ईश्वर। और जब समसोन को इसका एहसास हुआ, उसने दोनों खंभों को पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से खींचा। उसने पूरी ताकत से उन्हें खींचा और बड़ी इमारत धूल के गुब्बारों में ढक गई। वो इमारत 5 दुष्ट राजाओं और लोगों के ऊपर गिरी। सब लोगों के साथ समसोन और दलीला पर भी गिरी। तो ये है बच्चों, समसोन और दलीला की कहानी। हाँ फादर। तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ फादर। न्यायकर्ताओं के बारे में मुझे कौन बताएगा? वे लोग इसराइलियों का उद्धार करने के लिए भेजे गए उद्धारक थे। सही है। अब मुझे नाजीर का अर्थ कौन बताएगा? नाजीर वह व्यक्ति है जिसका जीवन ईश्वर को समर्पित है। वह शराब नहीं पी सकता, बाल नहीं काट सकता और कोई अपवित्र वस्तु का सेवन नहीं कर सकता। शाबाश लूसी। अब मुझे समसोन की शक्ति का राज कौन बताएगा? समसोन नाजीर था, इसीलिए ईश्वर ने उसे अपार शक्ति दी थी। और समसोन की शक्ति कैसे समाप्त हुई? दलीला ने धोखे से उसे शराब पिलाई और जब वह सो रहा था उसके बाल काट लिए। शाबाश लूसी। चलो बच्चों, और कल जब आओगे मैं रूथ की कहानी सुनाऊंगा। वो कौन थी फादर? क्या वो इजरायली थी? नहीं बच्चों, वो इजरायली नहीं थी। ईश्वर किसी जाति को नहीं, सभी को प्रेम करते हैं। रूथ बहुत अच्छी महिला थी और वो राजा दाऊद की दादी बनी, जिसके वंश से ईसा मसीह आए हैं। अच्छा बच्चों,
बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। गुड बाय फादर। गुड बाय बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। मैं शुरू करूं उसके पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुमने 10 आज्ञाओं के बारे में सुना है? हाँ, क्या है वह? क्या तुमने सुना है मैथ्यू? मैं ठीक है। क्या तुम 10 आज्ञाएं बता सकते हो जॉर्ज? 10 आज्ञाएं ईश्वर ने मूसा को दी थी ताकि लोग उसका पालन करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो बच्चों, हम 10 आज्ञाओं के बारे में जानेंगे कि कैसे ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। मैं तुम्हें बताऊंगा। हम शुरू करें? हाँ फादर। इब्रानी जो यूसुफ के साथ मिस्र पहुंचे थे, वे 16वीं शताब्दी के मध्य तक स्वतंत्रता तथा समृद्धि के साथ रहे। परंतु नए राजा के उदय के साथ इजरायलियों पर अत्याचार होने लगा। सुनो, ये इब्रानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने सही कहा महाराज, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो हमारे जैसे नहीं हैं। हाँ, वे बहुत सारे हैं। वे इकट्ठा होकर स्वयं की सेना बना सकते हैं। हाँ महाराज, वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मैंने बहुत कुछ किया, उनसे कठोर परिश्रम करवाया, उनके कर दुगने कर दिए। मुझे उनकी संख्या नहीं बढ़ने देना है, समझे? हाँ महाराज, उनकी संख्या बढ़ने नहीं दे सकते। हाँ, इस बार मैं उनको ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि वो याद रखेंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। जाओ, सैनिकों को बुलाओ और सब इब्रानी बच्चों को नील नदी में फेंक दो। हाँ महाराज, हमें फेंक देना चाहिए। परंतु नदी में बच्चों को फेंकना महाराज? हाँ, बच्चों को। उन इब्रानियों को हमसे डरना चाहिए। उन्हें मानना होगा कि मैं ही उनका ईश्वर हूँ। अब तुम जाओ और सैनिकों को आदेश दो। जी महाराज। सेनापति, सेनापति। अब वो मुझे ही ईश्वर मानेंगे। चल मेरे साथ। मेरा बच्चा, इसे मत लेके जाओ। सब जगह रुदन था। अब वो समय था जब ईश्वर को उनकी चिंता हुई और इज़राइल की जनता की रक्षा करने के लिए वे आगे आए। परंतु एक माता ने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक तरीका निकाला। मेरा बेटा इसमें जीवित रहेगा। माता, आप इसे नदी में क्यों बहा रही हैं? हमारे पास इसको बचाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमें इसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना।
कोई भी मेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे नहीं, टोकरी कई घंटों तक पानी में तैरती रही और फिराउन के महल में जाकर रुक गई। और फिराउन की बहन ने टोकरी को देखा। देखो दासी, वो क्या है, उसे लेकर आओ। ये लीजिए राजकुमारी। अरे इसमें बच्चा है। ये इब्रानी बच्चा है राजकुमारी, इसे नदी में फिर से फेंक दो। क्या मैं इस मासूम बच्चे को फेंक दूं? नहीं, मैं इस नन्हे बच्चे को नहीं मरने दूंगी। मैं इसे अपने पुत्र जैसा पालूंगी। ये सभी इंसानों में श्रेष्ठ होगा क्योंकि ये पानी से निकला है और इसका नाम मूसा होगा। श्रेष्ठ कार्यों के लिए बने हो मूसा, मैं दिल से ये महसूस करती हूँ मेरे पुत्र। मूसा का लालन पालन राजकुमार की तरह हुआ। मूसा और राजा के पुत्र रामसेस दोनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की। उसने सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उसके 21वें जन्मदिन पर फिराउन ने मूसा को महल में आमंत्रित किया। मूसा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जी आपका धन्यवाद। मूसा, ये तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा होगा। आज से तुम सारे इब्रानी दासों के स्वामी कहलाओगे। नहीं। क्या तुम प्रसन्न हो? मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उठो उठो, तुम मेरे पुत्र हो मूसा। नहीं, मत मारो। तो आलसी कहीं के। नहीं रुक जा, मत मारो। तो रुक जा। नहीं, तुम क्या समझते हो, नाटक करके बच जाओगे? रुको। क्यों, क्या चल रहा है यहाँ? तुम कौन हो? रुक जाओ, मत मारो, रुक जाओ। ए जाओ तुम। मैंने तुम्हें रुकने को कहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ओ नहीं। मूसा, 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 तुम कौन हो? तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं हारून हूं, तुम्हारी दाई का पुत्र हूं। तो वो तुम्हारी दाई नहीं है मूसा, वो तुम्हारी माता है। क्या? परंतु मैं तो मिस्र का राजकुमार हूँ। मूसा, क्या तुम उस टोकरी और कंबल को पहचानते हो जो माता ने तुम्हें दिए थे? मैं हाँ। क्या तुम तुम्हारी बहन मिरियम को पहचानते हो? मिरियम मेरी बहन है। हाँ मूसा, क्या तुम्हें यह सब याद है? हाँ, मैंने स्वप्न में देखा था, परंतु मुझे विश्वास नहीं था कि यह सत्य है। यह सत्य है मूसा, और मैं हूं तुम्हारा भाई हारून। ओह मेरे भाई मूसा।
हम सब तुमसे प्रेम करते हैं मूसा, परंतु तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। हाँ नहीं, मैं मिस्र का राजकुमार हूँ, मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं। ये गधा लो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और तुम्हारा क्या होगा मीडियम, मेरा परिवार? हम कैसे भी गुजारा कर लेंगे, हम बचे रहेंगे, हमारी चिंता मत करो। ये गधा लो और जल्दी से भाग जाओ। हाँ स्वामी, वे आएंगे और आपको मार देंगे, आप भाग जाइए। परंतु हम पर विश्वास करो मूसा, हम यही हैं, हम फिर मिलेंगे। हम एक दूसरे को फिर देखेंगे मूसा, ये मैं महसूस कर रहा हूं। मूसा कई दिनों तक बिना भोजन और बिना पानी के चला। मुझे माफ करना दोस्त, मैं सोचता हूं कि हमें आसपास कहीं पानी जरूर मिलेगा। अरे रुको, अरे वहां कहां जा रहे हो, रुको तो, क्या है वहां पर? ओह, तुमने हमें बचा लिया। चले जाओ यहाँ से, चला। नहीं, हमारी भेड़े प्यासी है, हम पहले आए हैं। चलो ऑटो यहाँ से। तुम? ए, रुक जाओ, ये महिलाएं यहाँ पर तुमसे पहले आई हैं। तुम समझते क्या हो, इसे ऐसा सबक सिखाएंगे? भाग। और लड़ना चाहते हो? भागो, भागो रे। क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बिल्कुल, ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छी तरह से पानी पियो मेरे दोस्त। आपका नाम क्या है? जी मूसा। मैं सिपोरा हूँ, मिद्यान के याजक की पुत्री। क्या आप इब्रानी हैं? नहीं, हाँ मैं इब्रानी हूँ, लेकिन यहाँ के लिए तो अजनबी हूँ। मेरे साथ आइए, हमारी रक्षा के लिए मेरे पिताजी आपका धन्यवाद करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। मूसा ने सिप्पोरा से विवाह कर लिया और मिद्यान में बस गया। वो मित्रों की भेड़ों को चराता था। मूसा के दो पुत्र थे और वो संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं जा रहा हूं प्रिय, शाम तक लौट आऊंगा। ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है प्रिय। परंतु मिस्र में इज़राइल की जनता अत्याचार से त्रस्त थी और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंची। ईश्वर ने मूसा को इज़राइल की जनता की रक्षा के लिए चुना। ए छोटे बच्चे, तुम्हारे पास खाने को घास है? मुझे लगता है हम सबके चलने का समय हो गया है, आओ चलो चले। अरे रुको,
अरे उधर कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, अरे रुको। अरे ये क्या, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। झाड़ी में आग, लेकिन झाड़ी तो जल नहीं रही। मूसा 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 मूसा, मैं यहाँ, मैं प्रस्तुत हूँ। मूसा अपने पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। लीजिए, मैंने जूते उतार दिए। मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर उनके पूर्वजों को दिए देश में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें उनको स्वतंत्र करने भेजूंगा मूसा, ताकि तुम इस पर्वत पर मेरी आराधना करो। मैं कौन हूं? मैं मिस्र जाकर कहूंगा कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या कहूंगा मैं उनसे? मेरा संदेश लोगों को दो, वे तुम्हारे साथ मिस्र से निकलकर यहां तक आएंगे, और फिर यहां से उन्हें ऐसे देश ले जाना जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। डरो मत मूसा, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए मूसा ने अपने घर को छोड़ दिया। क्या तुम्हें सचमुच जाना पड़ेगा? ईश्वर की आज्ञा है, मुझे जाना ही होगा। पर हम यहाँ खुश हैं। नहीं प्रिय, मुझे माफ करना, परंतु मैं यहाँ खुश नहीं, क्योंकि जब मेरे लोग मिस्र में अत्याचार सह रहे हैं। परंतु हम इस बारे में बात कर चुके हैं, मुझे जाना होगा। पिताजी मत जाओ। नहीं मेरे पुत्र, मुझे जाना ही होगा, ये मेरे ईश्वर की आज्ञा है। क्या हम फिर मिलेंगे पिताजी? बिल्कुल मेरे बेटे, मैं जरूर आऊंगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे मूसा, हम तुम्हारा। मैं चलता हूँ प्रिय। बाय पिताजी। खुश रहो मेरे बेटे। आखिर हम इस जगह पर पहुंच ही गए मित्र, आओ आगे चले, आओ यहां थोड़ी देर विश्राम करते हैं, लो पानी पियो। मूसा। कौन? अरे हारून, मेरे भाई। मूसा तुम यहां? भाई। मीडियम 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 मेरी बहन। मेरे छोटे भाई, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। परंतु तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगा? मैंने स्वप्न देखा, ईश्वर ने कहा कि आप यहाँ आओगी। वो स्वप्न नहीं मेरे भाई, हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। यहाँ की स्थिति खराब हो रही है मूसा। हाँ। क्या हुआ है मेरे भाई? पिछले साल राजा की मृत्यु हुई और उसका पुत्र रामसेस यहाँ का राजा है।
वो घमंडी, अत्याचारी और अहंकारी है। उसने कई तरह के अत्याचार हम पर करना शुरू कर दिए हैं। वो एक अत्याचारी राजा है। तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म होगी। हम कल फिराउन के पास जाएंगे। रामसेस? हाँ, मैंने कई सालों से उसे नहीं देखा। हाँ, हम चलेंगे, अभी घर चलते हैं। मैंने सबको बताया कि आप आ रहे हैं। मैंने उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए देश के बारे में भी बताया है। हारून, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। हमें सबकी सहायता चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मूसा। धन्यवाद मेरे भाई। तुम हमारे साथ ही रहोगे भाई। अभी तुम आराम करो, कल तुम्हें बहुत से काम है। मूसो, कायर कहीं के हत्यारे? रामसेस, मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। ईश्वर का प्रतिनिधि? क्या कहना है तुम्हें? ईश्वर ने मुझसे बात की है। इसराइल के ईश्वर की आज्ञा है कि मेरे लोगों को जाने दो। ओ मूसा, तुम सोचते हो कि मैं इब्रानियों को जाने दूंगा? ऐसे ही उस ईश्वर के कारण जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तुम अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से। तुम पर मुझे दया आ रही है। तुम धोखेबाज हो। मैं मिस्र का राजा हूँ। अब उसे दिखाने का समय आ गया है। तो देखो ईश्वर का चमत्कार। पिताजी, चिंता मत करो पुत्र, ये तो जादू है। हमारे जादूगरों को बुलाओ। जी महाराज। ओ, सांप बना दिया? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो दो सांप, हमारे जादूगर भी तुम्हारे ईश्वर से ज्यादा करके दिखा सकते हैं। हमारे जादूगर अच्छे हैं। देखो, उनका सांप हमारे सांप खा रहा है। हाँ? पिताजी, सुनो, मेरे लोगों को जाने दो। अपने ईश्वर से कह देना कि फिराउन उन्हें कभी मुक्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। और अपने ईश्वर से ये भी कह देना कि फिराउन उन पर और अत्याचार करेगा और उन्हें मकान बनाने के लिए एक ईंट नहीं देगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। गुड बाय। धन्यवाद फादर। तो बच्चों, जो कल मैंने तुमसे कहा था लेकर आए हो? यस फादर। बहुत बढ़िया। क्या तुम लाए हो मैथ्यू?
हाँ फादर, वो यहाँ मेरे बैग में है फादर। और तुम लूसी? वो यहाँ है फादर। बहुत बढ़िया, अब तुम अपने बिल्डिंग सीट्स टेबल पर रखो और टावर बनाना शुरू करो, और जैसे तुम बनाओगे मैं तुम्हें बाबुल की मीनार की कहानी सुनाऊंगा। बाबुल की मीनार? हाँ मैथ्यू, क्या तुम्हें नूह के पोत की कहानी याद है जो मैंने सुनाई थी? हाँ फादर, आपने हमें बताया था कि कैसे ईश्वर जल प्रलय लाए और केवल नूह और उसका परिवार ही उसके बनाए हुए पोत पर बचा रहा। शाबाश मैथ्यू, उनके सुरक्षित होने के बाद ईश्वर ने नूह से क्या कहा? नूह, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। नूह के वंशज पृथ्वी पर फैल गए, परंतु समय के साथ उनके हृदय में स्वार्थ तथा अहंकार पनपने लगा। हम ताकतवर हैं, सिर्फ ईश्वर ही हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। कोई हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं, ईश्वर भी नहीं, हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमें ईश्वर से महान बनने की शक्ति चाहिए। हाँ, और सुनो, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है। हम क्या करें? हम एक ऐसी मीनार बना लें, ऐसी मीनार जिसके शिखर तक पहुँचे हम। हाँ, कितना उत्तम विचार है, वो हमारे लोगों के लिए प्रतीक होगा तथा बताएगा कि हम कितने महान हैं। हाँ चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। मनुष्य ने मीनार बनाना शुरू किया। उन्होंने मीनार ईंटों से बनाई तथा मीनार ऊंचा बनता गया। परंतु जब ईश्वर ने शहर और मीनार देखे, वे समझ गए कि मनुष्य का पतन हो रहा है। उन्होंने ईश्वर की आराधना करने की बजाय खुद के लिए मीनार बनाना शुरू किया। इसलिए ईश्वर ने मनुष्यों की भाषा में उलझन पैदा की ताकि वे एक दूसरे को समझ ना पाए। जल्द ही उलझन हुई। मित्र एक दूसरे को बोलते हुए सुन सकते थे, परंतु एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे और मीनार का कार्य रोक दिया गया। उस शहर का नाम बाबुल रखा, जिसका अर्थ है उलझन। ये मैंने मेरा टावर बना लिया। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है मैथ्यू, सबने अपने अपने टावर बना लिए हैं। शाबाश बच्चों। थैंक यू फादर। क्या आप हमें बाइबल से दूसरी कहानी सुना सकते हैं फादर? प्लीज फादर। क्यों नहीं, अब तुम सब बाबुल की मीनार के बारे में जानते हो। मैं तुम्हें बाइबल की दूसरी कहानी बताता हूँ। कौन सी कहानी फादर? मैं तुम्हें इब्राहिम की कहानी सुनाऊंगा। इब्राहिम कौन था? नूह से काफी समय बाद एक व्यक्ति था इब्राहिम। वो अच्छा आदमी था तथा उसके पास बहुत सारी भेड़ें और पशु थे। वो अपनी पत्नी साराय के साथ हारान में रहता था। इब्राहिम ईश्वर का भक्त था, परंतु उसका एक ही दुख था, उसकी संतान नहीं थी। एक दिन ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपना देश छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा
कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। सारा है, सारा है। सारा है, सारा है। क्या प्रिय? सारा, प्रिय, तुम विश्वास नहीं करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। क्या है प्रिय? तुम जानती हो ईश्वर ने मुझसे बात की। ईश्वर? हाँ प्रिय, ईश्वर ने अभी मुझसे बात की। क्या तुम विश्वास करोगी? यह अद्भुत है प्रिय, उन्होंने तुमसे क्या कहा? नमस्ते। ओह हेलो लॉर्ड, मेरे भतीजे। आप क्यों हांप रहे हैं? आप कितने उत्साहित दिख रहे हैं। हाँ लॉर्ड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। लॉर्ड, ईश्वर ने इब्राहिम से बात की। क्या ईश्वर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओहो। हाँ लॉर्ड, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने आपसे क्या कहा? ईश्वर ने मुझे अपना घर और देश छोड़ने को कहा। क्या? परंतु ईश्वर क्या चाहते हैं? उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, किंतु वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। परंतु प्रिय, क्या हमें सब कुछ छोड़कर चलना ठीक होगा? हाँ? हाँ, हम सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे घर का, हमारे पशुओं का और रिश्तेदारों का क्या होगा? मुझे पता है लॉर्ड, ये सरल नहीं, परंतु हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। वे हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ अंकल, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब्राहम हारान से चला, जैसा प्रभु ने उससे कहा था। उसकी पत्नी सारे तथा भतीजा लोट उसके साथ गए। वे भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट को ले गए। वे चलते रहे। उन्होंने जंगली फल खाए, नदियों का पानी पिया, और जब थक जाते तो पेड़ के नीचे सो जाते थे। परंतु उनका ईश्वर में विश्वास कम नहीं हुआ तथा ईश्वर की आज्ञा अनुसार वे चलते रहे। और बहुत लंबी यात्रा के पश्चात वे कनान देश पहुंचे। आहा, अरे वाह, हम पहुंच ही गए। हाँ प्रिय, मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं। अब्राहम, मैं ये देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। परंतु बहुत दिनों तक बारिश नहीं होने के कारण देश में घोर अकाल था। पानी सूख गया और पशु प्यास से मरने लगे। और इब्राहिम तथा उनके परिवार को बहुत ही मजबूर होकर दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा। और चलते चलते वे मिस्र की सीमा तक पहुंच गए। क्या यह मिस्र है? कहते हैं नील नदी के किनारे अनाज और भोजन का बहुत बड़ा बाजार है। क्या मिस्र के लोग हमें बाजार में आने देंगे? हाँ हाँ, हमारे पास भोजन लेने के लिए सोना और चांदी है। परंतु अगर उन्होंने हमें लूट लिया तो? मैं आशंकित हूँ, मुझे यह ठीक नहीं लगता। हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं, हमें मिस्र जाना चाहिए।
हमारे पास और कोई तरीका नहीं। हमारे पशु प्यासे हैं, हमें चलना पड़ेगा। हम समझते हैं काका, परंतु वे भले नहीं हुए और हमें नुकसान पहुंचाया तो क्या? और अगर वे तुम्हारी पत्नी की तरफ आकर्षित हुए तो वे उसे पाने के लिए हमें मार सकते हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें छोड़कर खुश नहीं हूँ। तुम थोड़े दिन यहीं रुको, मैं वहाँ जाकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं प्रिय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हमें मिस्र में जाने की तरकीब लगाना पड़ेगी। परंतु यह खतरनाक हो सकता है काका। हे, मेरे पास एक तरकीब है। हम सराय को मेरी बहन कहेंगे। हाँ, यह बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। हाँ, यह अच्छा तरीका है। फिर वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ, यही एक अच्छा तरीका है। चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए, हमारे पास समय बहुत कम है। हेलो। हाँ, कौन हो तुम? मेरा नाम अब्राहम है। हम उत्तर से आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भीषण अकाल पड़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम परिवार तथा पशुओं के लिए भोजन चाहते हैं। हम भोजन के बदले अपनी भेड़ दे सकते हैं। हमें पशु नहीं चाहिए। तो हमारे पास चांदी भी है सर। वाह, ये सुंदर औरत कौन है? मैं इनकी बहन हूँ। हाँ। वाह, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तो ओह, क्या हम व्यापार के लिए अपनी बातचीत कर सकते हैं? ओह, वो बात बाद में। पहले राजा फिरौन के पास चलते हैं। वे निश्चित तुम्हें बहुत बड़ा प्रस्ताव देंगे। मेरे साथ चलो। अरे नहीं, सब ठीक होगा। ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए। जय हो महाराज, जय हो महाराज। ओह, ये स्त्री कौन है? बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। महाराज, मेरा नाम सराय है। मैं उत्तर से अपने भाई के साथ आई हूँ। हमें भोजन चाहिए। तुम बहुत सुंदर हो सराय। क्या तुम रात को मेरे साथ भोजन करोगी? भोजन? हाँ कहो प्रिय, हम मना करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं आपके साथ भोजन करूंगी, परंतु मेरा भाई भी साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भाई आ सकता है, तुम्हारा पूरा परिवार भी आ सकता है। धन्यवाद महाराज। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मिस्र में अकाल नहीं है, और तुम और तुम्हारा परिवार मिस्र आए हैं। जी महाराज, आप बहुत उदार हैं। जैसे ही बारिश होगी हम कनान जाएंगे। अरे हाँ, पर आप अगर चाहें तो मिस्र के नागरिक बन सकते हैं तथा विवाह करें, परिवार बनाएं। मैं आपको गवर्नर बना देता हूँ। ओहो महाराज, आप बड़े उदार हैं। परंतु हमारी इस उदारता को कुछ पुरस्कार चाहिए। आप क्या चाहते हैं महाराज? तुम्हारे पास एक ऐसा रत्न है जो राजा को शोभा देता है, जो बहुत ही कीमती है। आप किस रत्न की बात कर रहे हैं महाराज? मैं तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कितनी सुंदर है? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि फिरौन तुम्हारी बहन से विवाह करेगा। नहीं, हाँ, मैं बहुत सम्मानित हुआ। चलो जश्न मनाते हैं। मिस्र के राजा फिरौन की
20 से ज्यादा पत्नियां थी तथा वो जिसे चाहता उसी से विवाह करता था। फिरौन के डर से इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जाओ और यहां कोई नहीं आए। मेरे पास आओ प्रिय। ठीक है। परंतु फिराउन के सराय को छूने से पहले उसे सर दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। उसके शरीर पर निशान उभर आए। ओह मेरा सर, कोई मेरे वैद्य को बुलाओ। क्या क्या हुआ? कोई मेरे वैद्य को बुलाओ जल्दी। हाँ अभी बुलाती हूँ। तुम उसे बिल्कुल मत छूना, वो दूसरे की है। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुम दूसरे की पत्नी हो? मैं मुझे अभी सच बताओ। हाँ महाराज, मैं इब्राहिम की पत्नी हूँ। झूठ बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। क्या? पर तुमने कहा था वो तुम्हारा भाई है। मैं माफी चाहती हूँ फिराउन, हम डरते थे कि सच जानकर आप हमें मार देंगे। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। जाओ इब्राहिम को बुलाओ। इब्राहिम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं माफी चाहता हूँ। जब हम मिस्र आए हम डरते थे कि हमें लूट लिया जाएगा। सारा के कारण आपने मेरी तथा मेरे लोगों की रक्षा की। आप बड़े दयालु और उदार हैं। मैंने कहा सारा मेरी बहन है, परंतु सच ये है कि वो मेरी रिश्ते में बहन और पत्नी भी है। मैं और मेरा परिवार आपसे क्षमा चाहता है महाराज। मैं क्षमा नहीं करूँगा, परंतु अगर तुम्हारे ईश्वर हम पर से ये शाप हटा दे तो तुम मिस्र जा सकते हो तथा वो उपहार भी रख सकते हो जो तुमको दिए हैं। धन्यवाद फिराउन, हम यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इब्राहिम अपने परिवार के साथ मिस्र से चला। इस बार उसके पास पहले से ज्यादा सोना और पशु थे, परंतु अपने देश लौटने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना था। यही वो भूमि है जिसे ईश्वर ने मेरे तथा मेरे परिवार को प्रदान की है। परंतु ईश्वर ने मुझे कोई देश क्यों नहीं दिया? सुनो लोट, मेरे भाई की मृत्यु के बाद तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। सारा और मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं जानता हूँ, पर बस अब कुछ नहीं। तुम मेरा परिवार हो और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद में सहभागी हो। इब्राहिम की भेड़ें हमेशा आगे रहती हैं और मेरी भेड़ों से अच्छी घास खाती है, पता है तुम्हें? I know. इब्राहिम बूढ़ा हो रहा है। और उसकी पत्नी को देखो, कितनी सुंदर, परंतु उसको संतान नहीं हो सकती। हाँ। मैं सोचती हूँ कि आपको अपनी सही जगह ले लेनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आप भी उसके बराबर हो। हाँ ये ठीक है, कल मैं अपनी भेड़ें इब्राहिम की भेड़ों से आगे रखूंगा। हाँ आपका और उसका तो जमीन पर बराबर का ही हक है ना? क्यों, सही है ना? नहीं नहीं, तुम पीछे जाओ। तुम ये कहने वाले कौन होते हो? मेरे मालिक ने आगे रहने को कहा है। नहीं नहीं, मेरे मालिक को बताया तो वे क्रोधित होंगे। और सुनो, मेरे मालिक बिल्कुल कमजोर नहीं है। तुम जानते हो मेरे मालिक बड़े हैं। मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम मुझे बोलने वाले होते कौन हो? हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाँ ये लो। हाँ इतना ही दम है तुम में? लोट, तुमने अपने आदमियों को मेरी भेड़ों से आगे चराने को क्यों कहा? तो तुम अपनी भेड़ों को आगे रखकर अच्छी घास क्यों खिलाते हो? तो ये अच्छा प्रश्न है लोट,
परंतु तुम्हें बात करने के लिए मेरे पास आना चाहिए था। मैं आपके पास क्यों आऊं? अगर तुम मेरे पास आ जाते तो हमारे आदमी आपस में नहीं लड़ते और उसकी वजह से हमारी भेड़े इधर उधर नहीं भटकती। ओह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ आओ लोट। ये भूमि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है लोट, और मैं अपने परिवार में विभाजन नहीं चाहता हूं। पर काका, सुनो, मैंने निर्णय लिया है कि हम संपत्ति बांट लें और अलग अलग हो जाएं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। नहीं, मुझे कहने दो। हम बंटवारे के बाद भी एक दूसरे के नजदीक ही रहेंगे। हाँ, मुझे माफ कर दो काका। वहां देखो, यर्दन नदी की घाटी है और वहां कनान के पर्वत। तुम इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हो और मैं कहीं और रह लूंगा। हाँ, मैं घाटी में डेरा डालूंगा। बहुत बढ़िया। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। यदि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो संदेश भिजवा देना, मैं आऊंगा, क्योंकि तुम मेरा परिवार हो। इब्राहिम और लोट अपने अपने रास्ते चल दिए। इब्राहिम सारे परिवार तथा संपत्ति के साथ हेब्रोन में मामरे के बतूल के पास बस गए। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी पसंद आई? हाँ फादर। मुझे इब्राहिम की पत्नी का नाम कौन बता सकता है? सराय। इब्राहिम की पत्नी का नाम सराय था। शाबाश लूसी। इब्राहिम के भतीजे का नाम कौन बताएगा? इब्राहिम का भतीजा लोट था। बहुत बढ़िया, शाबाश मैथ्यू। धन्यवाद फादर। कौन बताएगा कि इब्राहिम ने फिराउन से झूठ क्यों बोला? मैं बता सकता हूँ फादर। हाँ हाँ, तुम बताओ जॉर्ज। इब्राहिम ने फिराउन को सच नहीं बताया क्योंकि सच बोलने पर वह उसे मार सकता था। बिल्कुल सही जॉर्ज, बहुत बढ़िया। बस आज के लिए इतना काफी है। सब अपने टावर लो और अपने माता पिता को दिखाना। कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय फादर।